हम लोगों के पास 4-5 हजार रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि हम लोगों के साथ काम करते हैं। ऐसे में हम लोग उनको पूरा दिन सपोर्ट देते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे कि हम लोग संडे तक में उनको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, संडे भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी उनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर रहते हैं, बैनर ऑर्डर रहते हैं, वो सब भी हम लोग डिस्पैच करते हैं। और भी कई तरीके का एक्टिविटी रहता है जो कि हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। ऐसे में इतना सारा रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कोई अपडेट आए तो हम लोग एक एक करके कॉल करके मैसेज करके नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी किसी भी एपीएस में एरर वगैरह आता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग उस ग्रुप में दे देते हैं, जो कि हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि एक एक करके कॉल करके अपडेट देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कोई भी अपडेट आता है तो 5 मिनट में हम लोग वीडियो शूट करके यूट्यूब में नहीं दे सकते हैं, उसमें टाइम लगते हैं 2-3 घंटे का। तो उस टाइम हम लोग विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में ही टेलीग्राम में अपडेट दे देते हैं। जैसे कि आज एक एपीएस में एरर देखने को मिला जिसको हम लोगों ने टेलीग्राम में बताया था। वैसे आज के इस वीडियो में ऑनलाइन सर्विस आपको बताएगा मूव टू बैंक 2 के बारे में, इजी पे में जो अभी अभी न्यू मूव टू बैंक 2 आया हुआ है, जहां पर आप खुद से ही मूव टू बैंक ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट 10 ऐड कर सकते हैं। जब से ये मूव टू बैंक आया है, हम लोगों का कई सारा रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर डेली बेसिस पे बोलते हैं मूव टू बैंक जो है ऐड कर चुके हैं, अप्रूव नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, मूव टू बैंक नहीं हो रहा है। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में ऑनलाइन सर्विस आपको देने वाला है अबाउट मूव टू बैंक 2 के बारे में। तो जब यहां पर बैंक अकाउंट आप मूव टू बैंक 2 में ऐड करते हैं तो आपको कई तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सभी कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जितने सारे सवाल आप लोगों ने हम लोगों को किया हुआ है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साइड में आप स्क्रीन देख सकते हैं, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझे नए देख रहे हैं तो मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आप तक लेके आते रहते हैं। तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। सबसे पहले आप इजी पे ऐप को ओपन कीजिए। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं यहां पर आपको मूव टू बैंक का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद मूव टू बैंक 2 में क्लिक कीजिए। जैसे ही इसमें आप क्लिक करते हैं ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज बैंक अकाउंट का, उसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करते ही अब आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऐड बैंक अकाउंट का, सिंपली आप इसमें क्लिक कीजिए। ऐड बैंक अकाउंट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर बैंक सेलेक्ट करने बोलेगा, तो बैंक को आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है, कुछ लोग बोल रहे थे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक ऐड कर सकते हैं और अदर्स जितने सारे बैंक है सभी बैंक आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो यहां पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लिया या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपको आईएफएससी कोड एंटर करने बोलेगा, तो यहां पर आप आईएफएससी कोड एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे नाम एंटर करना है, जो भी बैंक अकाउंट में नाम है उसको आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर दीजिए, ठीक है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे उसके बाद फिर से आपको एक बार अकाउंट नंबर को एंटर करना है, री अकाउंट नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, दो बार आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारा डिटेल्स दे देते हैं अब आपको ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करते हैं तो ये बैंक अकाउंट आपके यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको इसको एक्टिव करना होता है। अब इसको एक्टिव करने के लिए सिंपली आप मैनेज बैंक अकाउंट में जाइए और जो भी बैंक अकाउंट अभी आप ऐड किए होंगे वो सारा लिस्ट यहां पर दिखा दिया जाएगा। मैंने ये बस डेमो के लिए दिखाया है। आप जब यहां पर एंटर करेंगे पूरा डिटेल्स करेक्ट होना चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। तो जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड वहां पर किए हैं यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको रेड कलर का ऊपर में लिख करके आएगा एक्टिव नाउ, यहां पर ऊपर देख सकते हैं एक्टिव नाउ का एक ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको प्रूफ अपलोड करने बोलेगा, तो अब यहां पर आप चाहे तो बैंक पासबुक, कैंसिल चेक या फिर स्टेटमेंट, ये तीनों में से किसी भी एक प्रूफ को यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में यहां पर जो भी प्रूफ आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आपका नाम, आईएफएससी कोड सब कुछ प्रॉपरली दिखना चाहिए, नहीं तो आपका बैंक ऐड नहीं होगा। यहां पर जैसे ही आप सेलेक्ट प्रूफ में क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। उसके बाद यहां पर इस तरीके से फोटो ले लीजिए, उसके बाद ये राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऊपर में यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं तो ये बैंक अकाउंट यहां पर कुछ इस टाइप से अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका बैंक अब एडमिन के पास चला गया है अप्रूवल होने के लिए। तो यहाँ पर अब इस टाइप का ऑप्शन आएगा जहां पर एक्टिव नाउ रेड कलर में लिख करके आ रहा था, अब यहाँ पर इस टाइप का आएगा पेंडिंग एट एडमिन। अब जब ही पेंडिंग एट एडमिन आ जाता है तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर बताया गया है कि 24 घंटे में ही ये अप्रूव हो जाएगा, बट अभी फिलहाल ये नए सिस्टम है तो 2-3 दिन लग रहा है अप्रूव होने में। ऐसे में बहुत सारा रिटेलर बोल रहे हैं बैंक अकाउंट ऐड कर लिया, अप्रूव नहीं हो रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई न्यू सिस्टम बनता है तो उसमें स्मूथ होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अभी हैवी लोड आ चुका है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब भी कुछ दिन चले जाएंगे तो 24 घंटे ही टाइम लगेगा, तो 2-3 दिन में ये बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है, बट हैवी लोड आने के कारण ये 2-3 दिन अभी फिलहाल लग रहा है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है यहां पर लिख करके आ जाता है ग्रीन कलर में एक्टिव नाउ, यहां पर लिख करके आ जाता है, तो आपको समझना है कि ये बैंक अकाउंट अभी एक्टिव कर दिया गया है, उसमें आप मूव टू बैंक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी बैंक अकाउंट में आपने अकाउंट नंबर गलत एंटर कर दिया, IFSC कोड गलत एंटर कर दिया, या फिर गलत फोटो अनक्लियर फोटो अपलोड कर दिया, उस केस में आपको फिर से इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रेड कलर का एक्टिव नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें जब भी आप क्लिक करेंगे तो चाहे आपका जो भी इशू रहेगा, चाहे अकाउंट नंबर गलत हो या फिर फोटो क्लियर ना हो, उसका ऑप्शन यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, तो आप दोबारा वो फोटो को अपलोड करके फिर से यहाँ पर अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ अप्रूव हो जाएगा। जितने सारे लोग बोल रहे हैं मूव टू बैंक 2 के बारे में वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो में आपको बता दिया मैंने, जब ही एडमिन अप्रूवल के लिए चला जाता है 2-3 दिन में अप्रूव हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर से आप वहां पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं जो भी रीजन से यहाँ पर रिजेक्ट होता है। ऐसे में ये किसी के भी हाथ में नहीं है मैनुअली कि आपका बैंक को एक्टिव किया जाए, क्योंकि ये सभी कुछ बैंक का सिस्टम से काम होता है। तो जब भी आप बैंक अकाउंट आप यहाँ पर ऐड करते हैं वो डायरेक्टली बैंक के पास चला जाता है, और बैंक जब भी इसको अप्रूव करता है तभी एक्टिव हो जाता है। अब मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 बैंक अकाउंट को एक साथ ऐड करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और बहुत जल्द आपका बैंक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको कोई इशू आता है बैंक अकाउंट ऐड करने में तो हम लोगों को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इजीपे का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं लिए हैं तो लेने के लिए हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।